एससी एसटी समुदाय से केवल 10 से 11 प्रतिशत लोग ही आर्थिक रूप से मजबूत हो पाए हैं, लेकिन शेष 90 प्रतिशत की स्थिति अब भी दयनीय है। इस फैसले से वे लोग बहुत पीछे रह जाएंगे जिन्हें आरक्षण की सबसे अधिक आवश्यकता है। अगर बाबा साहब द्वारा लाखों दलितों और आदिवासियों के उत्थान के लिए दी गई आरक्षण सुविधा को समाप्त कर दिया गया तो उनके लिए इस देश में प्रगति करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ये कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे बहुजन तबके में हलचल मचा दी है। बात अब यहां तक पहुंच गई है कि बहुजन संगठनों द्वारा भारत बंद की घोषणा कर दी गई है। सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर पुनर्विचार करेगा या भाजपा की एनडीए सरकार संसद में बिल लाकर इस फैसले को बदल देगी? जानेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में, साथ ही जानेंगे मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा और उनके कहने के मायने क्या हैं। अभिवादन, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की एक बेंच ने यह माना कि एससी एसटी आरक्षण में अब वक्त आ गया है कि ओबीसी की तरह यहां भी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का प्रावधान लाया जाए और साथ साथ एससी एसटी वर्गों का वर्गीकरण भी कर दिया जाए। इस पूरे मामले को हमने पिछले वीडियो में अच्छे से समझा। चौंकाने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गला फाड़कर प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मैं आरक्षण खत्म नहीं होने दूंगा, वो प्रधानमंत्री आज इस फैसले पर एकदम चुप क्यों हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को संसद के भीतर लाकर निरस्त कर दिया जाएगा? ठीक वैसे ही जैसे डीवाई चंद्रचूड़ का वो फैसला जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनने की प्रक्रिया में बदलाव करके एक सीजेआई, एक विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री को शामिल कर लिया गया था। बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नापसंद था, इसलिए संसद में लाकर उसे निरस्त करके इलेक्शन कमीशन चुनने वाली कमेटी से सीजेआई को बाहर कर दिया गया था। तब भाजपा को बहुमत था मगर अब नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर वो एससी एसटी आरक्षण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल कर नया बिल पेश करेंगे तो पूरा विपक्ष मिलकर इस बिल को पास करा देगा। लेकिन उनकी चुप्पी जो बयां कर रही है उससे तो यही लग रहा है कि जो वो खुद नहीं कर पा रहे थे किसी डर से वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट से करवा दिया है, सुप्रीम कोर्ट माननीय है और हम सब उसका सम्मान करते हैं। जिस 7 जजों की बेंच ने ये फैसला दिया उनमें 6 जज इस पक्ष में थे कि एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के साथ साथ इसका वर्गीकरण भी होना चाहिए। उन जजों के नाम ये हैं, जस्टिस मनोज मिश्रा, पंकज मित्तल, सतीश चंद्र शर्मा, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, विक्रम नाथ और बीआर गवई। जस्टिस विक्रम नाथ पहले चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाईकोर्ट रह चुके हैं और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया था और फॉर्मर सीजीआई रंजन गोगोई ने नॉमिनेट किया था जिन्हें बीजेपी ने राज्यसभा भेजा हुआ है। देश भर में बहुजन समर्थकों का यही कहना है कि ये फैसला देने से पहले अगर सुनिश्चित कर लिया जाता कि क्या वाकई में एससी और एसटी में ऐसी जातियां हैं जो बाकी जातियों का अधिकार छीन रही हैं, तब ये फैसला ज्यादा सार्थक होता। फैसला आने के 3 दिन बाद 4 अगस्त को बसपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक बयान दिया जिसमें उनका गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा से इस फैसले को पलटने के लिए संविधान में संशोधन करने का आग्रह किया। मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके जरिए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। एससी और एसटी द्वारा सामना किए गए अत्याचार सामूहिक हैं जो पूरे समुदाय को प्रभावित करते हैं, उनमें उपवर्गीकृत करना अन्यायपूर्ण और अनुचित होगा। अगर आपकी मंशा साफ है तो आपको संसद में संविधान में संशोधन करके इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं जिनमें से 9वीं अनुसूची के अंतर्गत वो विषय शामिल किए जाते हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सिरे से खारिज करते हुए मायावती ने इस बात पर जोर दिया कि संसद को ऐसे फैसलों को पलटने का अधिकार है। उन्होंने एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण नीतियों के प्रति भाजपा और कांग्रेस समेत सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया। मायावती ने कहा, भाजपा एससी एसटी समुदाय की समर्थक होने का दावा करती है लेकिन वे इस मामले में उनके लिए प्रभावी ढंग से वकालत करने में विफल रही है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर अस्पष्ट रवैया अपनाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अस्पष्ट बताते हुए मायावती ने उपवर्गीकरण पर स्पष्ट दिशा निर्देशों की कमी की आलोचना की। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी भी दी और ये कहा कि ये फैसला अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मौजूदा आरक्षण लाभों को संभावित रूप से कमजोर कर सकता है जिससे कई लोगों को वह सहायता नहीं मिल पाएगी जिसकी उन्हें जरूरत है। मायावती ने तर्क दिया कि आरक्षण प्रणाली की स्थापना गहरी जड़ें जमाए बैठी शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए की गई थी जो
आज भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बहुमत में मौजूद हैं। जबकि अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय के लोगों का वर्गीकरण का एकमात्र मूलभूत आधार सामाजिक गैर बराबरी अर्थात छुआतपात रहा है। ऐतिहासिक तौर पर सामाजिक गैर बराबरी की वजह से ही आरक्षण दिया गया है, तो ऐसे में जाति के आधार पर प्रताड़ना झेलने वाले समुदाय के बीच आरक्षण का बंटवारा करना ये पूर्ण रूप से अनुचित, असंवैधानिक व गलत है, क्योंकि दलितों व आदिवासियों के लिए आरक्षण का उद्देश्य जात पात व छुआछूत की बुराइयों को दूर करना था। संविधान में उचित संशोधन विधेयक इनको लाना चाहिए और ये सब लाकर इनको संविधान की में इसको शामिल करना चाहिए, ताकि फिर भविष्य में कभी भी जो SC ST का आरक्षण है उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ आदि ना हो सके। बसपा सुप्रीमो का इशारा यह था कि ग्रामीण इलाकों में SC ST के लोग आज भी पढ़ने लिखने के बारे में सोच भी नहीं पाते। ऐसे में कुछ लोग पढ़ लिख रहे हैं, उन्हें अगर क्रीमी लेयर में डाल दिया जाएगा तो SC ST की सीटें खाली रह जाएंगी। जाहिर सी बात है, आज जब SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं है, तब SC ST के कैंडिडेट्स को नॉट फाउंड सूटेबल बताकर बाहर रख दिया जाता है और उनकी सीटें खाली रह जाती हैं। ऐसे में कुछ हो ना हो, लेकिन जाति जनगणना की इम्पोर्टेंस अब और बढ़ गई है। लोग इसकी मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी और पूरा विपक्ष लगातार जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर आक्रामक रहा है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। इसी क्रम में मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुजन खेमे में हलचल होना भी शुरू हो गई है। बहुजन संगठनों ने 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में देशव्यापी बंद की घोषणा कर दी है। भीमसेना के सतपाल तंवर द्वारा आहूत बंद ने तेजी से लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, जिन्हें सैकड़ों कार्यकर्ताओं और बहुजन नेतृत्व वाले सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने समर्थन भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों में असंतोष फैल रहा है, जो इस फैसले को बहुजनों के लिए खतरा मानते हैं। ऐसे बहुजन जो ऐतिहासिक रूप से सालों से हाशिए पर पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की आलोचना करने वाले जो तर्क दे रहे हैं, उनका कहना है कि ये कदम सोशल जस्टिस के मूल सिद्धांतों को कमजोर करता है। ऐसा करने से वो लोग जो पहले से ही हाशिए पर पड़े हैं, उनके भीतर विभाजन पैदा हो सकता है। भारत बंद के आह्वान को लेकर अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। पूरे देश के बड़े बड़े शहरों और कस्बों में प्रदर्शन होने की उम्मीद लगाई जा रही है। भारत बंद के आयोजकों का उद्देश्य सामान्य गतिविधियों को बाधित करके राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना होगा। हालांकि कोर्ट के फैसले का विरोध करने वालों का एक ग्रुप सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें फैसले को पलटने या संशोधित करने की मांग की गई है। उनका तर्क यह है कि निर्णय भारतीय संविधान में दी गई समानता और न्याय के सिद्धांतों का खंडन करता है। मायावती जी ने बहुत शानदार बात कही। उन्होंने कहा कि क्या केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने इस पूरे मुकदमे में क्या पक्ष रखा, वही पक्ष असल में नरेंद्र मोदी सरकार का माना जाएगा। केंद्र सरकार के जो मुख्य महाधिवक्ता हैं, उनका पक्ष, सॉलिसिटर जनरल का पक्ष तो नरेंद्र मोदी का पक्ष माना जाएगा, और वो पक्ष में है कि उपवर्गीकरण और क्रिमिलेयर होना चाहिए। तो सरकार पर सीधी उंगली उठती है और सरकार इस बात को जवाब दे होगी कि आप अगर बांटेंगे तो उसके अस्तित्व, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के वजूद और अस्तित्व पर हमला है। इस मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता सोशल मीडिया एक्स पर लिख रहे हैं, मनुवादियों का कहना है कि इस राजू को आरक्षण का लाभ मिले इसलिए SC में वर्गीकरण हो, लेकिन राजू का बजट तो BJP ने गाय और धर्म के कल्याण में लगा दिया, जिसके कारण इसके बच्चे पढ़ ही नहीं पाए, फिर बच्चा कहां पहुंच पाएगा, तो क्या इसका हक NFS को आप मिलने देंगे। एक दूसरी पोस्ट में लिखा कि दलित आदिवासी समाज किसी नेता या पार्टी के पीछे नहीं है, वह अपने हक अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे साथ खड़ा है। समाज अंधा नहीं है, सब देख रहा है। गूंगे बहरे मत बनो, संविधान और आरक्षण बचाने के नाम पर वोट लिया है तो उनके साथ खड़े होने की ईमानदारी भी दिखाओ। जाहिर है कि NDA सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर एकदम चुप है और अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है। हालांकि उनकी इस चुप्पी ने उनका स्टैंड भी क्लियर तो कर ही दिया है।
इसके उलट बीएसपी और वंचित बहुजन अघाड़ी जैसी अंबेडकरवादी पार्टियों ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने न्यायपालिका की उसके प्रतिनिधित्व की कमी और हाशिए के समुदायों के प्रति उसके दृष्टिकोण की आलोचना की है। उन्होंने कहा, न्यायपालिका को सबसे पहले प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। न्यायपालिका हाशिए पर पड़ी और भेदभाव वाली जातियों पर निर्णय पारित कर रही है और खुद की पीठ थपथपा रही है। हालांकि वे यह स्वीकार करने में विफल रहते हैं कि न्यायपालिका के भीतर इन समुदायों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके बजाय उच्च जातियों में स्पष्ट पिछड़ापन है और सामान्य श्रेणी के भीतर वर्गीकरण के बारे में चर्चा होनी चाहिए, ये पाखंड क्यों? अंबेडकर ने दलितों से भाजपा और कांग्रेस जैसी तथा कथित दलित समर्थक पार्टियों को जवाबदेह ठहराने का भी आग्रह किया, जिन्होंने अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले वर्गीकरण के फैसले का समर्थन किया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, डीएमके, शिवसेना, यूबीटी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, सीपीआई और झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित इंडिया गठबंधन के प्रमुख दलों ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। विशेष रूप से सीपीआई एम को छोड़कर किसी और पार्टी ने फैसले पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, क्या ईडब्ल्यूएस में भी क्रीमी लेयर और वर्गीकरण होना चाहिए? कमेंट करके बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।